देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज। डंपर व ट्रैक्टर की आपसी भिड़ंत में ट्रैक्टर चालक की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना को लेकर के परिजनों के द्वारा पोस्टमार्टम के उपरांत शव को बीच रास्ते में रख करके जाम लगाया गया है, जहां पुलिस को जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों को समझा बुझाकर किसी तरीके से जाम खुलवाया गया और मृतक के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए कुछ सहायता राशि भी दी गई है। मृतक टैंकर चालक जनपद फतेहपुर के एक गाँव का रहने वाला है, जो पेट्रोल डीजल का टैंकर चलाता है, जो कल कानपुर से टैंकर में तेल लेकर बांदा के लिए जा रहा था। तभी मवई पेट्रोल पंप के पास सड़क हादसा हुआ, जिसमें टैंकर चालक की मौत हो गई थी। जनपद बांदा के कोतवाली नगर अंतर्गत मवई पेट्रोल पंप के पास में कल देर रात टैंकर व डंपर की आपसी भिड़ंत में टैंकर चालक गोविंद पुत्र शिवराम को ही जनपद बांदा के कोतवाली नगर अंतर्गत मवई पेट्रोल पंप के पास में कल रात टैंकर व डंपर की आपसी भिड़ंत में टैंकर चालक गोविंद पुत्र शिवराम, जो कि जझरा थाना ललौली जनपद फतेहपुर का रहने वाला है, कानपुर से पेट्रोल डीजल टैंकर लेकर के बांदा के लिए आ रहा था और मवई पेट्रोल पंप के पास में एक डंपर से टकरा गया, जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जिसका आज मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम के उपरांत परिजनों के द्वारा लाश को मवई पेट्रोल पंप के पास ले जाकर के बीच रास्ते में रखकर जाम लगाया गया, जहां पुलिस को सूचना मिलते ही सीओ सिटी आलोक मिश्रा मैफोर्स के साथ पहुंचकर परिजनों को समझा बुझाकर जाम को किसी तरीके से खुलवाने का प्रयास किया। वहीं मृतक के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए कुछ सहायता राशि भी दी गई है। किस तरह से ये लोग जाम लगाए थे और क्या है पूरा मामला? देखिए, कल रात एक डंपर का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें डंपर ड्राइवर की डेथ हो गई थी, तो उसके परिजन ये जो पेट्रोल पंप जहाँ का डंपर वो चलाता था उसी रोड पे सामने शव को रखकर जो है जाम लगाने का प्रयास किए, लेकिन तत्काल समझाने बुझाने पर उन्होंने तत्काल जो है बातों को मानना और पंप वालों ने 43,000 रुपया उनको क्रियाकर्म के लिए दिया है। बाद में जो भी उसका इंश्योरेंस क्लेम होगा वो उसको दिलवाया जाएगा और जाम जो है तत्काल पहुंचने पर उन्होंने हटा दिया। परिजन FIR की मांग कर रहे थे, क्या FIR? FIR पहले से ही पंजीकृत की जा चुकी है, उसकी कॉपी भी उनको दे दिया गया। बांदा से संवाददाता विष्णु सिंह की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज।